दोस्तों आजकल के युवा दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी वो लोग 2 किलो वजन नहीं बढ़ा पाते हैं। लेकिन दोस्तों आप चिंता न करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूं जिससे आपका वजन 100% नहीं बल्कि 101% बढ़ेगा। यहाँ पर हम 4 पॉइंट को कवर करेंगे और दोस्तों इन्हीं 4 पॉइंट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट गेन क्यों नहीं होता है, क्या समस्या है और कैसे उस समस्या का समाधान करके आप 1 महीने में 10 किलो तक वेट गेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखकर हर पॉइंट को समझ लेना। पॉइंट नंबर 1, क्या आपको भूख कम लगती है? अगर आपका जवाब हाँ है, यानी आपको भूख बहुत कम लगती है, आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि दोस्तों हो सकता है इसी वजह से आपका वेट गेन नहीं होता हो। और दोस्तों अगर आपका जवाब ना है, यानी आपको खूब अच्छी खासी भूख लगती है, आप दिन भर में खाते पीते रहते हैं, आपका खाना भी तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, तो आप डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पर जा सकते हैं, क्योंकि फिर ये समस्या आपकी नहीं है। और दोस्तों जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, मुश्किल से वो लोग 4 रोटी भी नहीं खा पाते हैं, बहुत कम खाने पर भी पेट हमेशा भरा भरा रहता है, वो लोग इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझे और इसमें सुधार करें। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई फूड खाते हैं तो वो फूड आपके पाचन तंत्र में जाता है, फिर आपका पाचन तंत्र उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसका रस बनता है और दोस्तों उसी रस में जो पोषक तत्व होते हैं उसी से हमारे शरीर का विकास होता है। बाकी जो वेस्ट होता है, गंदगी होती है, वो मल मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पाचन तंत्र काम करता है, लेकिन जब किसी भी कारणवश आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, तब जो भी आप भोजन करते हो वो आपके पेट में ऐसे ही सड़ता रहता है, जिससे कि आपको कब्ज, गैस, अपच और लंबे समय तक भूख न लगने की समस्या हो जाती है। और दोस्तों शरीर का विकास करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए भूख लगना बहुत जरूरी है और जो भी हम भोजन करते हैं उसका ठीक से पचना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि खराब पाचन तंत्र को कैसे ठीक किया जाए, जिससे कि भोजन हमें तुरंत डाइजेस्ट हो और हमें दोबारा से जल्दी जल्दी भूख लगे। दोस्तों खराब पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले आपको 2 गिलास गुनगुना पानी कर लेना है, उसमें आपको 1 नींबू का रस, 1 चम्मच शहद डालना है, 1 चुटकी आपको काला नमक डालना है और इस औषधि को पूरे 1 महीने तक आपको पीना है। दोस्तों आयुर्वेद में नींबू को अमृत फल कहा जाता है, क्योंकि ये आपके पेट में हुए इन्फेक्शन को ठीक करता है, इसमें विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा होती है और दोस्तों शहद में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। दोस्तों जब आप सुबह नाश्ता करते हैं तब आपको 1 कटोरी दही में 1 चुटकी भर काला नमक, 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर मिलाकर नियम से खाना है, इससे आपका पाचन तंत्र फौलाद के जैसा मजबूत होता है। दोस्तों दही को पेट की समस्या के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं और आपके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाते हैं। इसके अलावा दिन भर में आप जो भी फूड खाते हैं उसमें फाइबर जरूर होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि सभी किस्म की दाल, हरी सब्जियां और फलों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, शोधकर्ताओं के अनुसार पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पूरे दिन भर में 35 से 40 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप दिन भर में 2 चम्मच अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और ओमेगा-3 आपको मिलता है। दोस्तों पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, क्या आप दिन भर में 5 बैलेंस्ड डाइट मील लेते हो? अगर आपका जवाब हाँ है कि मैं पूरे दिन भर में 5 ऐसी मील लेता हूँ जिसमें क्वालिटी वेट गेन करने के लिए सभी न्यूट्रिशन मौजूद है, तो आप तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका जवाब ना है कि मैं ऐसी कोई डाइट नहीं लेता हूं, तब इस पॉइंट को ध्यान से देखकर समझकर आपको सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए, ये फिर आप यूं कह सकते हो कि क्वालिटी वेट गेन करने के लिए हमें अपनी बॉडी को हमेशा कैलोरी सरप्लस में रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जब हमारी बॉडी कैलोरी सरप्लस में होती है तब हमारा वजन बढ़ता है और दोस्तों जब हमारी बॉडी कैलोरी डिफिसिट में होती है तब हमारा वेट लॉस होता है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि हमारा वेट गेन और वेट लॉस कैसे होता है।
उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, क्वालिटी वेट गेन करने के लिए आपको पूरे दिन भर में 5 ऐसी मील लेनी है जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट होना चाहिए। उचित मात्रा का मतलब ये है कि आप जो भी डाइट मील लेते हो उसमें 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 20% हेल्दी फैट का तालमेल आपको बनाकर चलना है। उदाहरण के तौर पर एक कंप्लीट मील यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। इसी तरीके से आप दिन भर में अपने लिए 5 मील तैयार कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, सुबह नाश्ता करते समय आपने एक बाउल दूध से बना हुआ दलिया, 2 रोटी में 2 चम्मच पीनट बटर लगाकर और साथ में अगर आप 2 केले लेते हो तो ये आपकी एक कंप्लीट डाइट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, दूध और पीनट बटर से आपको प्रोटीन मिलता है, हेल्दी फैट मिलता है और दोस्तों, दलिया और केले से आपको कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम और फाइबर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी हर मील को डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 से लेकर 1000 कैलोरी ज्यादा खानी है, तभी आपका अच्छा खासा वेट गेन होगा। पॉइंट नंबर 3, क्या आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि जिम वर्कआउट, होम वर्कआउट या फिर रनिंग? और अगर आप करते हो तो क्या आपको सही तरीका मालूम है वजन बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है कि मैं वर्कआउट करता हूँ और मुझे सब कुछ अच्छे से पता है, तो आप डायरेक्ट 4th पॉइंट पर जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका जवाब ना है तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझकर अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि कुछ भी उल्टा सीधा खा पी लो, वजन ही तो बढ़ाना है, बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बॉडी बनाने के लिए जितना जरूरी डाइट है उतना जरूरी एक्सरसाइज भी है। बिना एक्सरसाइज के आपका वजन तो बढ़ जाएगा लेकिन आपकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सोंद निकल कर बाहर आ जाएगी, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए दोस्तों, क्वालिटी वेट गेन करने के लिए आपको रोजाना 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि जिम के अंदर ही आपको वर्कआउट करना है। जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिम के अंदर आपको कंपाउंड एक्सरसाइज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और 45 मिनट से ज्यादा वर्कआउट आपको नहीं करना है। बहुत ज्यादा कार्डियो वगैरह भी आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, वजन बढ़ाने के लिए आपको कैलोरी को ज्यादा खर्च नहीं करना है बल्कि कैलोरी की बचत करनी है। होम वर्कआउट में आप सभी किस्म की पुशअप एक्सरसाइज, पुलअप एक्सरसाइज, बॉडी वेट स्क्वाट कर सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो 20 मिनट की स्लो रनिंग आप रोजाना कर सकते हैं। दोस्तों, क्वालिटी वेट गेन करने के लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, डिप्रेशन कम होता है, शरीर में मसल्स मास बढ़ता है और आपका पाचन तंत्र भी सही तरीके से काम करता है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है कि शरीर का विकास करने में, क्वालिटी वेट गेन करने में नींद की क्या भूमिका होती है? जल्दी वजन बढ़ाने के लिए आपको कितना सोना चाहिए? आपकी नींद की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है कि मुझे सब कुछ पता है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। और अगर आपका जवाब ना है कि इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखें और अपनी गलतियों में सुधार करें। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बॉडी को पर्याप्त मात्रा में रेस्ट देना बहुत जरूरी है। इस बात को तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन शरीर को रेस्ट देना क्यों जरूरी है? 24 घंटे में कितना रेस्ट हमें बॉडी को देना चाहिए, कब, कैसे और कितना सोना चाहिए, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आप दिन भर में जो भी काम धंधे करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, तब आपके शरीर में थकावट और मांसपेशियों में तनाव महसूस होता है और इसी थकावट को रिकवर करने के लिए हमारे शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप शरीर पर एक्स्ट्रा लोड डालते हो, यानी वर्कआउट वगैरह भी करते हो, तब आपको और ज्यादा विश्राम करने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप क्वालिटी वेट गेन करना चाहते हैं, बॉडी का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको रात में 8 से 9 घंटे तक जरूर सोना है, क्योंकि जब आप रात में गहरी और अच्छी नींद सोते हो तब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, जो कि शरीर का विकास करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी कारणवश अच्छी नींद नहीं आती है, तब आप एक गिलास गुनगुने दूध के साथ में
एक अश्वगंधा का कैप्सूल और 5 बादाम खा सकते हैं, इससे आपकी नींद में काफी सुधार होगा। तो दोस्तों, इन गलतियों में सुधार करके आप बहुत कम समय में क्वालिटी वेट गेन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और शेयर करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।